सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, ये भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है वहाँ। अगर ये चीजें मुसलमान में खत्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही खत्म हो जाएगा। सऊदी अरेबिया को पता लग गया है ये भिखारी कंट्री है। मुस्लिम अगर ये चीज अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। आजादी देना मतलब कि यूए के अंदर मंदिर बनना, उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुने ही होंगे मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को? मुस्लिम उम्मा ने एक और झटका दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो रिफाइनरी बनाने वाला था सऊदी अरेबिया, वो रिफाइनरी अब नहीं बनेगी। के जी सबसे ज्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया है सऊदीया ने कि अब रमजान में लाउडस्पीकर बैन किया जाएगा, लाउडस्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। एक्टिविटीज के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज्यादा जो जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के लिए भरी पड़ी है। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो जाएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने, अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वही बोलेगा। दैट इज पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। हम तो बड़े चैंपियन हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे। सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम मालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज आम चल पड़ेगी। सऊदीज जो है वो बेसिकली ईरान, सऊदीया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीजें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है हमारे। एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है भाई, यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर, तो वो बोलते हैं भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। अच्छा, तो अब वहाँ पे सब आजाद है, अब यही चल रहा है। पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाई है उन्होंने। ये स्पेसिफिकली जब अरब कंट्रीज ने ओपनिंग की इंडिया के साथ अपने तल्लुकात के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत जोरों शोर से उठाया। उसकी वजह जाहिर है ये खौफ था कि अगर इंडिया के साथ इनके तल्लुकात हमसे बेहतर हो गए तो फिर जाहिर है मसला कश्मीर पे इनकी जो है स्टैंड भी वही होगा जो इंडिया का होगा। मुस्लिम अगर ये चीज अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। आजादी देना मतलब कि यूए के अंदर मंदिर बनना, उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुने ही होंगे मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मजहब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो अहादीस में वो तो हिजाज मुकद्दस के मुतल्लिक है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज मुकद्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूए में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूए एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे, अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूए, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। क्या वजूहत है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था, क्या वजूहत है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है, आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है, उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जारी बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। लेकिन वहाँ ज्यादा जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की जारी से? भाजी, इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुतफिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अभी देखे ना, 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे। भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके? अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक को? इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी? हमारे लिए तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है,
अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, लेकिन ये बस ये देख लें बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूंगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। अपने ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, अजान जो है ना यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगो आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फितराना जिन लोगों का हक है उन तक पहचान यानी कि पहुँचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुलाया, बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ, इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो जाएगा, हो गया है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इंडिया की जो एजुकेशन है गीता वगैरह उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल वगैरह में, क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं, ये तो सारा ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिसम इनको नजर आने वाली बात है, इनके जैसे ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए अगर कुरान पाक को देखा जाए उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसके वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो ये नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के बाद खुला पैसा आता ना वो लोग इंसान। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है उनको अपने मजहब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाजत करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं, और आपको पता है ये परसों 3-4-5 दिनों में मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरमे पाक में से भिखारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से भिखारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मूँग और मसूर की दाल, मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम जो भिखारी एक्सपोर्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जेलें भरी पड़ी हैं जेलें। सो अगर हमारी हुकूमत इस काबिल हो कि भाई वो उनके साथ एग्रीमेंट करें, मुसलमान जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट किए जाए।